एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा सात के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 17 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन नदियों को किन किन स्वरूपों में देखते हैं? यहाँ आंसर लिखेंगे, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन नदियों के साथ ममता का एक और धागा जोड़ा है। उन्होंने इन नदियों को माँ के साथ साथ इन्हें बेटी, बहन और प्रेयसी के रूप में भी देखा है। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु व ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? यहाँ आंसर लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियाँ हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, काका कालिलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? यहाँ आंसर लिखेंगे, जल ही जीवन है, ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं ये, बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी है, यही कारण है काका कालिलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? यहाँ आंसर लिखेंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हिमालय के आंगन में कविता किसने लिखी? यहाँ आंसर लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद। तो ये था कक्षा सात के विषय हिंदी का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।